और इस बीच एक बड़ी खबर, नौसेना चीफ सुनील लांबा का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत पर समंदर के जरिए साजिश भारत के खिलाफ रची जा रही है। देश पर हमले की साजिश रची जा रही है, ये बड़ी बात। सुनील लांबा का ये बड़ा बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि समंदर के जरिए भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है, देश पर हमले की साजिश रच रहे हैं आतंकी। रविकांत राय न्यूज नेशन संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, क्या जानकारी मिली है? देखिए, नेवल चीफ ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, यानी पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी है वो आतंकवाद को सपोर्ट करने की है। और इस बात की जानकारी है इंडियन जो एजेंसियां हैं उनको भी कि किस तरीके से पिछले 3 सप्ताह के अंदर उन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई और ये बहुत बड़ा हमला होता है जम्मू कश्मीर के अंदर। तमाम सिक्योरिटी जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए जो सेना है, जो सिक्योरिटी, लेकिन ये पुख्ता हो गया है कि जो आतंकवाद पर लगाम और नकेल कसने की बात पाकिस्तान के द्वारा कही जा रही है वो पाकिस्तान कर नहीं रहा है। लेकिन बिल्कुल नकेल कसने की बात तो कही जा रही है लेकिन ऐसा करता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है पाकिस्तान। और भारत के खिलाफ अब समंदर के जरिए साजिश रची जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविकांत, तमाम जानकारी।